तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, खिलाड़ी भैया उर्फ खिलाड़ी कुमार फिर वापस आ गए हैं। देखो सबसे पहले तो अक्षय कुमार की इस लेगेसी को सैल्यूट है यार। रिसेंटली लगातार इनकी 4 से 5 मूवी लगातार फ्लॉप आ रही थी, लेकिन ये बंदा दोबारा उठता है, मतलब पहले गिरता है फिर उठता है और दोबारा एक नई शुरुआत करके आगे रहता है। दोस्तों आफ्टर सेल्फी जो बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी थी ये मूवी, अक्षय कुमार अब अपनी रियल फॉर्म में आ गए हैं। देखो जब भी ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवी बनाते हैं मूवी हिट ही जाती है, लाइक मिशन मंगल, एयरलिफ्ट और बेल बॉटम। तो अब एक बार फिर ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवी लेकर आ रहे हैं और कल 7 तारीख को टीजर निकल चुका था जवान मूवी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा मिशन रानीगंज का ये टीजर। जी हाँ दोस्तों, टीजर बहुत दमदार है और बाय गॉड अक्षय पाजी की कोई रेस्क्यू टाइप थ्रिलर मूवी होती है तो वो सुपर हिट ही जाती है और जाती ही जाती है। और दूसरी बात, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्मों को सभी शौकीन होते हैं और अगर उसमें हमें अक्षय कुमार देखने को मिल जाए तो मूवी का हाइप कब 100% हो जाए कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, 13 नवंबर 1989 में रानीगंज कोलफील्ड पर एक माइनिंग के दौरान ट्रेजेडी हुई थी जिससे इनर फ्लड आ जाता है, जो हमें टीजर में भी साफ देखने को मिल रहा है, जिसके दौरान सैकड़ों माइनर्स या फिर लिबरल्स कह दो अंदर होते हैं और बहुत से मर भी जाते हैं, लेकिन उनमें से 65 माइनर्स लेबरर्स को एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन में बचा लिया जाता है। पहले तो सब यही सोच रहे थे कि नीचे सभी मारे जा चुके होंगे, लेकिन जब ध्यान से चेक किया तो पता चला लोग बचे हैं, जिसमें से टीजर में एक मोमेंट वो दिखाया गया है रवि किशन का जब वो कहता है कि हम अभी जिंदा हैं नीचे। वैसे पहले इस मूवी का नाम कैप्सूल गिल रखा गया था, फिर उसके बाद द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया था और अब मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू के नाम से ऑफिशियल मूवी को टाइटल दिया गया और ये रिलीज भी हो रही है। कास्टिंग अमेजिंग है, परिणीति चोपड़ा के साथ अक्षय पाजी की जोड़ी दोबारा से देखने को मिलेगी और ये जोड़ी केसरी मूवी में पहले 4 चांद लगा ही चुकी है, तो वही मंजर अब फिर देखने को मिलेगा। इसके बाद सपोर्टिंग में अगर बात करें तो बेहतरीन एक्टर्स लिए गए हैं। रवि किशन और गुल्लक एक फेमस वेब सीरीज है जिसके मेन लीड एक्टर्स जमील खान भी हैं, जो जस्ट रवि किशन के बगल में खड़े हैं। बाय गॉड एक बार के लिए मुझे दोनों पहचान में ही नहीं आए, फिर जब मैंने कास्ट चेक करा और रवि किशन और जमील खान का नाम देखा तब दोबारा से मैंने इस टीजर को रीप्ले करके 2 से 3 बार टीजर की स्पीड स्लो करके देखा है, तब जाके मुझे पकड़ में आए इतना ये कैरेक्टर उसमें घुस जाते हैं कि जो बोल रहे हैं ना वो खुद रवि किशन है कि अभी हम नीचे जिंदा हैं, वो वाला सीन वो, और बगल में उसके जो जमील खान खड़े हैं। तो कास्ट बेहतरीन है, मूवी में बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी हम मास मसाला एक्शन ये सब देखकर थोड़ा बोर भी फील करने लगे थे और आफ्टर राम सेतु कोई मूवी ऐसी आई भी नहीं थी जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस हो, और लास्ट ऐसी जब एयरलिफ्ट देखी थी, बेल बॉटम और मिशन मंगल देखा था तो मजा ही आ गया था। तो बाय गॉड फिलहाल के लिए टीजर से वही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। इसी के साथ मूवी 6 अक्टूबर को रिलीज करी जानी है, रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, तो कुछ ही दिनों बाद अराउंड 20 सितंबर हमें ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। फिर थोड़ा और खुलकर बात करेंगे, मजा आ जाएगा। अभी से कुछ स्टोरी का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकती क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, फिलहाल टीजर से देखकर जो पता लग रहा है वो दमदार लग रहा है, जो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। बाकी इस पूरे मिशन को सफल बनाते हैं द रियल लाइफ हीरो जिन पर यह मूवी बेस है, IIT धनबाद से माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के द्वारा, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने अकी पाजी अक्षय कुमार और फुल गेटअप में भी दिख रहे हैं, एकदम टोटली मैच अप डिक्टो। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस कंटेंट के लिए, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रूबी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।